गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 8 में टॉपिक नंबर 1 और 2 जो हमने देख लिया है उसको मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड देयर इंपॉर्टेंस, ये हमने लास्ट वीडियो में इसके पहले वीडियो में देखा था। टॉपिक नंबर 2 जो है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ये हमने देखा है। ओके, और इसमें अभी हमें देखना बाकी है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ओके, तो टाइप ऑफ जॉइंट्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट, अ जॉइंट और आर्टिकुलेशंस इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द यूनियन ऑफ एनी टू और मोर बोन्स ऑफ स्केलेटन, और अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर द टू और मोर बोन्स मीट। मतलब कि ये एक डिस्क्राइब करता है, अगर आप जॉइंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे कि दो और उससे ज़्यादा बोन जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम में होते हैं और उसके साथ जो होता है जॉइंट प्लेस होती है। जब एक से दूसरा बोन जॉइंट हो मीट होता है तब वो उसको हम जॉइंट कह सकते हैं। जैसे हमारे फुट में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, हाथ में होते हैं, ठीक है, एल्बोज में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बोन जो दूसरे बोन के साथ जब मिलता है तो उसके साथ हम उसको हम जॉइंट कह सकते हैं। ओके, जॉइंट ऐसा नहीं कि हम किस चीज़ को पूरे बोन को जॉइंट कह सकते, ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी हमारे फ्लेक्शन एरिया है जो हमारा मोमेंटेबल जो बोन होगा उसको हम जॉइंट कहेंगे। ओके, जॉइंट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग स्ट्रिप्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, दीज आर कॉल्ड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। मतलब कि जहाँ पे हम जॉइंट देखते हैं उस टाइम पे वो हमें स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रेचिंग स्ट्रिप्स रहते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, उसको हम टेंडन्स और लिगामेंट्स कहते हैं। ओके, अगर हमें पूछा जाए कि जॉइंट टू जॉइंट, बोन टू बोन जो अगर कनेक्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर कोई बोन एक बोन दूसरे बोन के साथ कनेक्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे टेंडन्स। ओके, अगर यही चीज़ मैं पूछ लूँ कि अगर कोई बोन किसी मसल के साथ जॉइंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको कहेंगे लिगामेंट्स। ओके, तो सिंपल सी चीज़ याद रखना है। ओके, इफ अ जॉइंट ट्विस्ट टू फार द लिगामेंट्स मेटियर, मतलब कि अगर जॉइंट जो है अगर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है तो क्या होता है, लिगामेंट्स धीरे धीरे फटने लगती है। ओके, कॉजेज ऑफ स्प्रेन, मतलब इससे क्या होता है, स्प्रेन हो जाती है, हमें खिंचाव आ जाता है। अ जॉइंट दैट इज पुल आउट ऑफ प्लेस इज डिसलोकेशन, मतलब कि कोई जॉइंट है जहाँ से पुल आउट हो जाता है जिसको हम डिसलोकेशन कहेंगे। अगर आपके पास शोल्डर आप देखते हैं, ठीक है, शोल्डर और आपके हीप एरिया पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है अभी मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो उस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जो होता है वो हमारा सॉकेट से अगर वो चीज़ अगर हमारा निकल जाता है तो उसको डिसलोकेशन कह सकते हैं। इन ह्यूमन बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर बीइंग फाउंड, सम विच आर डिस्क्राइब अहेड। ओके, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उसमें क्या क्या हैं, साइनोवियल जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। ओके, तो देखते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, देर आर मैनी सच जॉइंट्स इन द बॉडी सच एज जॉइंट of arm and legs, the smooth synovial membranes is such type of joint, it has many blood vessels, our lymphatic vessel meet the spread, there are so many different synovial joints found in our skeletal system, on basic movement they are following, मतलब कि जो synovial joints जो है वो अलग अलग type के joint है, बहुत सारे हैं। okay, ऐसे जो जॉइंट जो है वो आर्म्स और लेग्स में देखे जाते हैं, और ये जो है ऐसे टाइप के हैं, स्मूथ और सेमिनल है, ये मतलब मूवेबल है, फ्री मूवेबल है ना इसलिए, और ये ब्लड विसल के साथ भी एक स्प्रेड करता है बॉडी में, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के हैं। तो पहला है हिंग जॉइंट, जॉइंट क्या है, दोज जॉइंट विच हेल्प इन मूविंग पार्ट ऑफ द बॉडी इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन आर नोविंग एज हिंग जॉइंट, एग्जाम्पल जॉइंट ऑफ नी एंड फिंगर्स। मतलब यहाँ पे हिंग जॉइंट का यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स है ये हिंग जॉइंट का, तो ये हिंग जॉइंट यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हिंग जॉइंट उसको कहेंगे कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करते फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ओके, मोशन में, उसके हम हिंग जॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे नी जॉइंट और फिंगर जॉइंट। ओके, उसके बाद में पिवट जॉइंट है, इट्स अ टाइप ऑफ जॉइंट, देर इज अ सर्कुलर मूवमेंट रोटेशन मोशन इन द
वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बीइंग प्रोवाइड बाय दिस जॉइंट, मतलब कि ये जो टाइप का जॉइंट होगा इसकी क्या होगा, सर्कुलर मूवमेंट होगा जो हमारी बॉडी के रोटेशन के लिए काम आता है, इसको प्रोवाइड करता है हमारे जॉइंट्स को। इन सच जॉइंट अ बोन फॉर्म अ रिंग और अनदर बोन फिक्स इन इट लाइक आर्क। ओके, मतलब कि ये जो बोन होगा ये ऐसे टाइप का जो होगा जैसे रिंग टाइप का होगा, या किसी बोन में किसी बोन को फिक्स किया होगा ताकि वो मूवेबल हो। या तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो एरिया है, जैसे वो दिख रहा है कि कोई रिंग टाइप का है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम पिवट जॉइंट कहेंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट, इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइडर ओवर ईच अदर, सच काइंड ऑफ जॉइंट आर बीइंग फाउंड इन बिटवीन द कार्पस बोन्स, tarsal bone, wrist and ankle and vertebral of the vertebral column। ये जो बोन है ग्लाइड जोन, जो क्या होता है कि एक बोन अलग बोन के साथ ईच अदर के साथ ग्लाइड करती है सरफेस के साथ। इस काइंड ये जो है अलग अलग जगह पे फाउंड होती है, जैसे कार्पलस बोन है, tarsal bone है, रिस्ट है, एंकल है, और वर्टिबल और वर्टिबल कॉलम्स में ये फाउंड होती है। ओके, देन फोर्थ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट इज बीइंग अलाउ बाय द काइंड ऑफ जॉइंट्स, लार्ज राउंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन इज बीइंग यूज्ड इन मार्किंग द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस लार्ज राउंड एंड फिट इन टू द होलो ऑफ अनदर बोन, थस द बोन विथ अ बॉल लाइक शेप कैन मूव इन any direction, such joint are found in shoulder and hips। मतलब कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ball and socket जो है वो maximum freedom देता है आपको movement करने के लिए, allow करता है कि आप ऐसे type का movement कर सको। large movement जो होता है, large round of होता है bone जो है वो ball of socket का ही होता है, socket joint का, ठीक है। ये क्या होता है कि एक जो है socket type का होता है और ball उसमें एडजस्ट होता है, और जॉइंट होने के बाद वही बॉल लाइक शेप मूव करता है ताकि आपके जो बोन है वहाँ से निकल नहीं जाए सॉकेट से, इसलिए। और ये चीज़ आपको देखा जाता है, ऐसे जॉइंट जो है वो आपको शोल्डर में देखे जाएंगे और हिप में देखे जाएंगे, जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है पिक्चर में। तो ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हिप में देखा जाएगा और ये यहाँ पे शोल्डर में देखा जाएगा। ओके, अब है फिब्रोस जॉइंट, दिस जॉइंट इज विच इन विच द बेस ऑफ बोन boundary by very thin fibres are called fibrous joint, this joint are motionless। okay, जो example जो हम देखेंगे तो school bone, मतलब कि ये fibrous joint जो है वो fix होते हैं, immovable होते हैं, move नहीं करते हैं। okay, ऐसे जो bone है इसीलिए उनको fibrous कहा जाता है, उनका boundary bound होता है very thin fibrous होता है। okay, और ये मोशनलेस होते हैं और ये स्कल में देखा जाता है, स्कल बोन में देखा जाता है। ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है, इन सच जॉइंट द एंड ऑफ द अपोजिट बोन आर जॉइंट टू द कार्टिलेजिस, दिस देयर इज लिमिटेड मूवमेंट इन दिस जॉइंट, द कार्टिलेज टेक द शेप ऑफ द बोन इन द एंड एंड द ब्लड डज नॉट सर्कुलेट डायरेक्टली। मतलब कि ये जो है कार्टिलेज जॉइंट जो है वो स्लाइटली मूव होता है, ऐसे ही नहीं कि पूरा मूव होगा, स्लाइटली मूव होंगे। ओके, स्लाइटली मूवेबल जो होंगे बोन, इसमें क्या होगा कि ये लिमिटेड मूव करते हैं। ओके, और ये अपना एक शेप बनाते हैं कि इतने से इतने ही एंड में आपको सर्कुलेट कर सकते हैं। ओके, आपने जैसे देखा होगा कि आप जैसे कोई नल का एरिया जो है, आप जैसे उसका एरिया घुमाते हो तो उतना ही एरिया घूमता है, ठीक है। तो वो इसका कार्टिलेज जॉइंट है, वो इसी का ही एग्जांपल होगा। ओके, तो ये हमने आज ये टॉपिक देखा और टाइप ऑफ जॉइंट्स में, जिसमें सिनोवियल जॉइंट था, तो सिनोवियल्स में जॉइंट में जो फ्रीडम मूवमेंट है। ओके, सेकेंड जो फिब्रोस जॉइंट था उसमें फिक्स है, वो इमूवेबल है, एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है उसमें स्लाइटली मूवेबल है। ओके, जो हमने सिनोवियल जॉइंट्स में देखा था कि हिंग जॉइंट जो है कि वो हिंग जॉइंट जो क्या होता है कि वो पार्ट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में मूव करने को
अलाउ करता है, और जो पिवट जॉइंट जो है वो ऐसे टाइप का जॉइंट होता है जो सर्कुलर मूवमेंट और रोटेशन मूवमेंट में हमें काम देता है। ओके, बॉल एंड सॉकेट जो है वो हमारे मैक्सिमम फ्रीडम मूवमेंट देता है, हमें अलाउ करता है कि हमारे जॉइंट जितने भी मूव कर सकते हैं बॉल एंड सॉकेट के वो कर सकते हैं। और ग्लाइंड जॉइंट में है जो ऐसा सरफेस है वो ईच अदर एक के साथ जॉइंट होते हैं और वो कुछ ही एरियाज में कुछ ही बोन में फाउंड होते हैं, जैसे रिस्ट हो गया, एंकल हो गया, वर्टिबल हो गया और वर्टिबल कॉलम में हो गया। ओके, फिब्रोस जॉइंट तो आपको अभी मैंने बताया है कि वो फिक्स होता है, इमूवेबल मूवेबल होता है, और कार्टिलेजनस जॉइंट जो है वो स्लाइटली मूवेबल होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू।